ये देखो साल का सबसे पहला स्नोफॉल। दोस्तों कर्नाटका इलेक्शंस में अभी बीजेपी ने 72 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं, और मुझे दो तीन बातें भी करनी थी कर्नाटका इलेक्शंस के बारे में और मेरे पिछले वीडियोस के बारे में। पहली बात कि लास्ट वीडियो में मैं दो तीन बार ऐसा कर्नाटक बोला, उसमें से कुछ लोगों को, खास करके कर्नाटका के जो लोग हैं उनको ऐसा लगा कि मैं सही से नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं एक बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि हमें पढ़ाई में पहले से ही ये सिखाया गया है कि अगर कोई नेटिव लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी और काफ़ी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, उसमें कर्नाटक बोलते हैं उसको, और कन्नड़ा को कन्नड़ बोलते हैं। तो अगर सॉरी किसी को, मेरे को दुख लगा हो मेरे ऐसे बोलने से, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है, यही हमें सिखाया पढ़ाई में, तो हम ऐसे ही बोलते हैं यहाँ पे। और उसका ऐसा मतलब नहीं है कि कोई ऑफेंसिव टर्म है, आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ जिस तरह शिवा होता है, जो यहाँ पे शिव होता है नॉर्थ में तो साउथ में शिवा बोलते हैं, अर्जुन होता है नॉर्थ में तो अर्जुना बोलते हैं, ऐसे ही कर्नाटका को कर्नाटक बोलते हैं। तो आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, लेकिन दिस इज़ वेरी नेचुरल फॉर मी और एनीवन हु हैवंट लिव्ड इन कर्नाटका और लिव्ड समवेयर नॉर्थ फ्रॉम कर्नाटका। एनीवेज, बीजेपी से जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है येदियुरप्पा, वो शिकारीपुरा से खड़े हुए हैं, और ईश्वरप्पा जो है वो शिवमोगा से खड़े हुए हैं। सॉरी अगर मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो सॉरी, खास करके मेरे कर्नाटका के लोग, सॉरी आपको थोड़ा बुरा लगा। लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि डोंट फॉल ऑन द ट्रैप जो लोग हमें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करना चाहते हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो नॉर्थ साउथ करते रहते हैं। यार क्या है यार, एक देश है, एक ही देश है ये, ठीक है, और हमें एक होके ही लड़ना है हमें तो, गरीबी से लड़ना है, अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ना है, इक्वालिटी नहीं है उससे लड़ना है, हमें नॉर्थ साउथ होके नहीं लड़ना है, भाषा के बेस पे नहीं लड़ना है, लैंग्वेज के बेस पे नहीं लड़ना है। प्लीज़ दोस्तों यार, यही लोग तो करवा रहे हैं हमसे, और हम क्यों करें ऐसा यार, एक होके लड़ना है देश को। चलो साथ साथ में थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो देख लो यार, काफ़ी अभी स्नोफॉल हो रहा है अभी, लेकिन थोड़ा स्नो और बारिश और मिक्स जैसा हो रहा है। थोड़ी देर पहले अच्छा स्नो दिख रहा था यहाँ पे। चलो बहुत ठंड लग रही है, मुझे जाना पड़ेगा अंदर।